नमस्कार दोस्तों, कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, आप भी कस्टम यूआरएल को चेंज करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कस्टम यूआरएल को चेंज कर सकते हैं, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। और आपने अभी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है तो आप इजी तरीके से अपने कस्टम यूआरएल को चेंज कर पाएंगे। और आपने अभी चैनल नया बनाया है तो आप कस्टम यूआरएल को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका चैनल जो है एक मंथ पुराना होना चाहिए और आपके पास 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप जो है कस्टम यूआरएल को चेंज कर सकते हैं। मैं ले चलता हूं आपको फ़ोन की स्क्रीन पे, वहां पे आप लोगों को समझाता हूं बिल्कुल सरल भाषा में और आप लोगों को इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको डायरेक्टली यूट्यूब ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें क्या करना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख सकता है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टूडियो पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, इस तरीके से आपको डेस्कटॉप साइड मोड पे क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका बिल्कुल कंप्यूटर की तरह आपकी स्क्रीन दिखने लगेगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूँ। आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है कस्टमाइज पे। और आप जैसे ही कस्टमाइज पे क्लिक कर देना आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना ये होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना ये होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा सेट ए कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल। तो यहाँ से आप अपने कस्टम यूआरएल को चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना ये होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका डायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपका जो चैनल का नेम होगा यहाँ पे दिख जाएगा और आपका कस्टम यूआरएल बन जाएगा। तो यहाँ पे आप बदल भी सकते हैं, जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, मगर मैं सेम ही रखना चाहता हूँ, मेरा जो यूट्यूब चैनल नेम है वही यहाँ पे दिखे। तो यहाँ पे मेरा पुराना वाला कस्टम यूआरएल देख सकते हैं कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पहले यूआरएल कुछ इस तरीके से था। अब जो मैंने नया बनाया है यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो है ना दोस्तों कस्टम यूआरएल चेंज करने का फ़ायदा, तो आप भी इस तरीके से कस्टम यूआरएल को चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल आपको करना ये है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको यहाँ पे जूम आउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा पब्लिश पे, आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और आपका कस्टम यूआरएल देख सकते हैं, आपका कस्टम यूआरएल यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको करना ये होगा, कन्फर्म पे क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करते हैं आपका कस्टम यूआरएल दोस्तों सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका कस्टम यूआरएल दोस्तों दिख रहा है हिंदी ज्ञान शर्ट। और ये मेरा दोस्तों दूसरा चैनल है और जो मैंने वीडियो बना रखा है ये मेरा दूसरा चैनल है। तो आप इसे अगर सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ये मेरा दूसरा चैनल है तो आप इसे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो में बस इतना ही, अगले मिलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।